कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जींद दौरे पर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर वन बना दिया गया है। आज जो हरियाणा की सरकार है वो न सिर्फ हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने सरकार ने किया है। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी नंबर एक पे पहुँचाने का काम इस सरकार ने किया। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर जारी सरपंचों के प्रदर्शन पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार से आज हर वर्ग परेशान है। जो भी वर्ग अपने हकों की बात करता है उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सरपंचों पर जिस तरह लाठियां बरसाई गई, जिसका हिसाब किताब प्रदेश की जनता आने वाले समय में करेगी। आज अब सरपंच अपनी बात उठा रहे हैं सरकार को, तो सरकार उनसे बात करने की बजाय लाठी की भाषा में उनको जवाब दे रही है। तो जो लाठी की भाषा में प्रदेश के मान सम्मान को चोटिल करने का काम जो सरकार करना जानती हो, प्रदेश के लोग आने वाले समय में उन सरकार से इसका हिसाब किताब पूरा करने का काम करेगा। बता दें कि जींद के शामलो कला गाँव में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शिरकत करने दीपेंद्र हुड्डा पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस इन दिनों प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। जींद से सूर्य समाचार के लिए परमजीत पवार की रिपोर्ट।